गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट प्रॉब्लम. फर्स्ट प्रॉब्लम इज अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट कॉन्स्टेंट स्पीड. इफ द ट्रेन इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर देन द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस. ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन. क्या कहते हैं, मेरी बात सुनिएगा. कहते ये हैं कि कोई अगर सपोज दैट की ट्रेन है वो 300 किलोमीटर की कांस्टेंट स्पीड से क्या करती है, ट्रेवल करती है. तो बाद में इसके बाद कंडीशन ये दिया है आपके पास कि इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड, अगर हम ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आर क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो कहते हैं द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस. तो पूरी जर्नी जो है वो क्या करेगी, 2 आवर्स पहले ही कंप्लीट हो जाएगी. जितना टाइम पीरियड डिसाइडेड था उससे 2 आवर्स पहले ही कंप्लीट हो जाएगी. तो आपसे ये कह रहे हैं कि फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आर. हमने कंसीडर कर लिया कि ओरिजिनल स्पीड ट्रेन की क्या है, x किलोमीटर पर आर है. ठीक है, अब यहां से मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, ये क्या कहते हैं. तो इस तरीके से अगर देखिए तो, और डिस्टेंस आपके पास कितनी थी बेटा, डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस आपके पास टोटल डिस्टेंस कितनी गिवन थी, टोटल डिस्टेंस आपके पास थी 300 किलोमीटर. तो अगर हम यहां से बेटा टाइम निकालना चाहें तो टाइम हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. किस तरीके से, टाइम टेकन बाई ट्रेन टू कवर 300 किलोमीटर. टाइम के लिए अगर हम आपको साइड में बताएं तो बेटा देखिए क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ से क्या बन जाएगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. वॉट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर, एंड वॉट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड इन दिस केस, एक्स. ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 300 किलोमीटर विथ ओरिजिनल स्पीड. तो हमको क्या मिल गया, ये हमें मिल गया बेटा 300 अपॉन x r. अब देखिए कंडीशन नंबर टू क्या कही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आर. ठीक है, न्यू स्पीड ये कहते हैं कि अगर हम स्पीड को क्या करें, 5 किलोमीटर पर आर क्या कर दें, इंक्रीज कर दें. तो न्यू स्पीड यहां से बच्चों क्या मिल गई, पहले की स्पीड क्या थी, x किलोमीटर पर आर थी, न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस 5 किलोमीटर पर आर. ठीक, अब अगेन हमको क्या करना है, डिस्टेंस उतनी ही कवर इनको करनी है, डिस्टेंस उतनी ही कवर करनी, पर स्पीड को इन्होंने क्या किया है, बढ़ा दिया है. और जब स्पीड को ये इंक्रीज कर देंगे और उतनी ही डिस्टेंस कवर करनी होगी, इसका मतलब क्या होगा कि जो टाइम पीरियड पहले से डिसाइडेड था कि सपोज दैट कि ये इतने आर में पहुंचने वाले थे, तो कह रहे हैं कि उससे क्या करेंगे, 2 घंटे पहले पहुंच जाएंगे. तो इस तरीके से न्यू स्पीड आपके पास क्या हो गई, न्यू स्पीड आपके पास ये हो गई. तो अगर हम यहां से न्यू टाइम निकालना फाइंड आउट करना चाहें तो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 300 किलोमीटर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड. ठीक है, अब विथ न्यू स्पीड की अगर हम बात करें तब की बात हो रही है, तो डिस्टेंस अब यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. वॉट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इन दिस केस, 300, एंड वॉट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड, न्यू स्पीड आपके पास क्या है बच्चों, न्यू स्पीड आपके पास है x प्लस 5. तो इस तरीके से आपको मिल गया दिस आर. अब ये क्या कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये कहते हैं इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आर द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस. कहते हैं ये बेसिकली आपसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं बेटा कि अगर ट्रेन की स्पीड को हमने बढ़ाया तो जर्नी जो है क्या हो जाएगी, 2 आवर्स पहले जो है पहले ही कंप्लीट हो जाएगी. तो मतलब कि अगर हम टाइम की बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम टाइम को कंपेयर करना स्टार्ट करें, तो अगर हमने क्या किया, ये न्यू टाइम था. ठीक है, न्यू टाइम था. अगर हमने क्या कहा, ये कहे कि अगर हमने स्पीड को बढ़ाया तो स्पीड को बढ़ाने के बाद टाइम ये था, तो कहते हैं तो ये अपने ओरिजिनल टाइम से, ओरिजिनल टाइम क्या था, 300
अपॉन एक्स, ओरिजिनल टाइम से 2 आवर्स क्या हो जाएंगे, पहले पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। अब इस तरीके से अगर आप देखिए तो इन दिस केस वी कैन से दैट कि यहाँ से क्या मिल जाएगा, 300 अपॉन एक्स यहाँ से मिला, माइनस 300 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, ये चीज़ आपको मिल गई। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने का मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। अगर इस तरीके से न्यूमरेटर में कोई भी चीज़ या डिनोमिनेटर में है तो आप इसे कॉमन ले लीजिए, आपका कैलकुलेशन बेटा ईजी हो जाएगी। इन ब्रैकेट यू विल गेट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 2 मिल गया। दिस विल इम्प्लाइज दैट 300, अगर आप एलसीएम लेंगे देन यू विल गेट एक्स प्लस 5 माइनस एक्स अपॉन यहाँ से एक्स इंटू एक्स प्लस 5 ये हो गया इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2 मिल गया। यहाँ से एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब देखिए दिस विल इम्प्लाइज दैट यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, 300 इंटू 5, ये यहाँ से 300 इंटू 5 अपॉन यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू बच्चों क्या मिल गया, इज इक्वल टू आपको मिल गया 2। ठीक है, ये मिल गया। अब यहाँ से देखिए तो आपको क्या मिलेगा, 3 5 ज़ा, मैं यही लिख दे रही हूँ, 3 5 ज़ा 1500 मिल गया बच्चों, 1500 अपॉन यहाँ से अगर आप देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 2। तो दिस विल इम्प्लाइज दैट 1500 इज इक्वल टू यहाँ से अगर आप देखिए तो इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 10x। ठीक है, तो फाइनली आपको क्या मिल गया, 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस माइनस 1500 माइनस 1500 इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों, 0 मिल गया। अब 2 से क्या करिए, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो दिस यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, माइनस दिस विल बिकम 750 इज इक्वल टू क्या मिल गया, 750 इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, अब हमें 2 ऐसे नंबर्स को चूज करना है जो कि क्या करें, जिनका मल्टीप्लिकेशन 750 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड स्प्लिट कर सकते हैं मिडिल टर्म को। एक्स स्क्वायर प्लस अगर आप देखिए तो प्लस 30x यहाँ से मिलेगा, माइनस 25x माइनस 750 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। इफ़ यू विल टेक कॉमन x फ्रॉम हियर देन यू विल गेट x प्लस 30, एंड इफ़ यू टेक कॉमन माइनस 25 फ्रॉम हियर देन यू विल गेट x प्लस यहाँ से क्या मिल जाएगा, x प्लस 30 अगेन मिलेगा आपको इज इक्वल टू 0। इन दिस केस यू विल गेट x माइनस 25 एंड अनदर x प्लस 30 इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों, 0। ठीक है, तो ईदर x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आर आपको मिला और एक्स इज इक्वल टू माइनस 30 मिला। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को कंसीडर कर लेंगे और इस वाली वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो आपको एक जो है स्पीड क्या मिल गई, आपसे बोला गया फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो एक्स इज इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आपकी क्या हो गई, ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड हो गई। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अ फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर्स लेस देन अ स्लो ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 6 किलोमीटर। ये क्या कहते हैं क्वेश्चन में, फर्स्ट लाइन में ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 टाइप्स की ट्रेन हैं। और बेटा याद रखिए कि इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन का पैटर्न समझना है। क्वेश्चन का पैटर्न समझिए इस तरीके से, यहाँ पर जैसे कि 2 टाइप्स की ट्रेन हो गई, कोई फास्ट ट्रेन यूज़ हो गई और एक स्लो ट्रेन यूज़ हो गई। क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में ये कहा जा सकता है कि कोई ट्रेन ए है दूसरी ट्रेन बी है, बस वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दोनों की जो है स्पीड को कंपेयर कर देंगे। तो बस क्वेश्चन की आप वैरायटी समझिए, बस क्वेश्चन की वैरायटी अगर आपको क्लियर हो जाएगी तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अ फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर्स लेस देन अ स्लो ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। कहते हैं कि 600 किलोमीटर की जर्नी को जो है फास्ट ट्रेन जो है स्लो ट्रेन के कंपैरिजन में 3 आवर पहले ही क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। 600 किलोमीटर की जर्नी को फास्ट ट्रेन जो है स्लो ट्रेन के कंपैरिजन में क्या करती है, 3 आवर्स पहले ही क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। इफ़ द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ फास्ट ट्रेन, तो कह रहे हैं कि अगर जो है स्लो ट्रेन की जो स्पीड है फास्ट ट्रेन की स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर क्या है, लेस है, तो आपसे कहा जा रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन। तो दोनों ट्रेन की आपको क्या फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स कम टू द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सोल्यूशन पे अगर हम आते हैं बेटा, तो सोल्यूशन के केस में सपोज कर लेंगे हम कि लेट द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन, हमने फास्ट ट्रेन की स्पीड को कंसीडर कर लिया,
लेट द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन बी, क्या हमने कंसीडर कर लिया एक्स किलोमीटर पर आर। फास्ट ट्रेन की स्पीड को हम लोगों ने कंसीडर कर लिया एक्स किलोमीटर पर आर। तो यहां से देखिए, देन स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन की स्पीड की अगर हम बात करें तो बच्चों यहां से क्या हो जाएगी, इफ द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आर लेस, तो यहां से क्या हो जाएगा, ओरिजिनल स्पीड ये थी तो x माइनस 10 यहां से हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आर, क्योंकि स्लो ट्रेन की स्पीड फास्ट ट्रेन से 10 किलोमीटर लेस है। ठीक है, अब ये कहते हैं, फिर से मेरी बात सुनिएगा, क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि ये तो हमारा पूरा कंडीशन ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ से किस चीज़ को कंपेयर किया गया है, अगर आप देखिए तो बच्चों यहाँ से टाइम को कंपेयर किया गया है। टाइम को कंपेयर किया गया है तो हमारे पास जो भी क्वांटिटी गिवन है बच्चों, हम इस क्वांटिटी को क्या करेंगे, टाइम के फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे, जैसा हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट किया। तो अगर यहाँ से देखिए तो बेटा क्या बन जाएगा, टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन टू कवर 600 किलोमीटर को कवर करने के लिए फास्ट ट्रेन क्या लेंगे, इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 600 किलोमीटर, स्पीड क्या है बच्चों, स्पीड की बात करें तो एक्स है, तो ये हो गया 600 अपॉन एक्स आर। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रेन की बात करते हैं, टाइम टेकन बाय स्लो ट्रेन टू कवर 600 किलोमीटर, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये 600 अपॉन क्या बन जाएगा, x माइनस 10 आर। ठीक, अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कहते हैं कि फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर्स लेस देन अ स्लो ट्रेन। तो फास्ट ट्रेन जो है ये गिवेन है, ठीक, वो क्या करती है, फास्ट ट्रेन जो है स्लो ट्रेन के टाइम से फास्ट ट्रेन जो है जितना फास्ट ट्रेन का टाइम डिसाइडेड है वो स्लो ट्रेन के टाइम से क्या करती है, 3 आवर्स पहले क्या करती है बच्चों, 3 आवर्स पहले पहुंचती है। तो इस तरीके से ये आपको मिल गया, ये इक्वेशन आपको मिल गई। अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो 600 अपॉन यहाँ से क्या बन जाएगा, 600 अपॉन x माइनस 10 ये मिल गया, 600 अपॉन x माइनस 10 माइनस 600 अपॉन x इज इक्वल्स टू बच्चों क्या मिल गया, इज इक्वल्स टू 3 मिल गया आपको। ठीक, अब यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करिए, अगर आप यहाँ से 600 कॉमन ले लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, तो 1 अपॉन यहाँ से x माइनस 10 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। सो दिस विल इम्प्लाइज दैट 600 यहाँ से अगर आप देखिए तो x माइनस 10 अपॉन यहाँ से क्या मिल जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल्स टू यहाँ से अगर बच्चों देखिए इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 3। दिस विल इम्प्लाइज दैट यहाँ से अगर आप देखिए तो 600 यहाँ से क्या मिलेगा, x माइनस एक्स प्लस 10 अपॉन यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब यहाँ से x से x कैंसिल हो गया, दिस विल इम्प्लाइज दैट यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपको 6000। ठीक है, 6000 इज इक्वल्स टू यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस 3 टेन्स 30x। ठीक है, दिस विल इम्प्लाइज दैट 3x स्क्वायर माइनस 30x, ठीक है, माइनस 6000 इज इक्वल्स टू बच्चों क्या मिलेगा, इज इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। अब क्या करिए, इस पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दीजिए, देन यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3, यहाँ से 3 2s 10, ये आपको 2000 मिल जाएगा। अब देखिए, अब बेसिकली आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ऐसे ही हमें दो नंबर का सिलेक्शन करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए, मल्टीप्लिकेशन 2000 आ जाए, और मिडिल टर्म स्प्लिट करने पे मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिल जाए, हमें माइनस 10 मिल जाए। तो इस तरीके से हम टू टर्म्स, अगर हमने 4 और 5 के टर्म में देखा तो 50 और 40 का अगर हम चूज़ करें तो 50 और 40 के केस में हमारा वर्क क्या हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। तो अगर देखिए एक्स स्क्वायर, हम इसे माइनस 50x और इसे प्लस 40x माइनस इसे हम 2000 लिख सकते हैं बच्चों, इज इक्वल्स टू 0। इफ यू टेक कॉमन x फ्रॉम हियर देन यू विल गेट x माइनस 50
एंड 40 फ्रॉम हियर, देन अगेन यू विल गेट x माइनस 50, ठीक है, इज इक्वल्स टू जीरो. दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 40 एंड x माइनस 50 इज इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, यहाँ से ये मिल गया आपको बच्चों. अब अगर हमको क्या करना है, अब हमें और सॉल्व करना है इसे. तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट x इज इक्वल्स टू इधर माइनस 40 और x इज इक्वल्स टू 50. तो इस वाले कंडीशन को हम इग्नोर करेंगे और इस कंडीशन को हम लेकर के प्रोसीड करेंगे. तो हमें क्या मिल गई, x इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आर क्या मिल गई, फास्ट ट्रेन की स्पीड हमें क्या मिल गई, 50 किलोमीटर पर आर. अब स्लो ट्रेन की हम स्पीड फाइंड आउट करेंगे तो 50 माइनस क्या मिल गया, 10, मीन्स 40 किलोमीटर पर आर. तो इस तरीके से हमारे पास दो स्पीड मिल गई, फास्ट ट्रेन की स्पीड 50 किलोमीटर पर आर और स्लो ट्रेन की स्पीड हमें क्या मिल गई, 40 किलोमीटर पर आर. ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड विद अनदर क्वेश्चन. अनदर क्वेश्चन बेटा क्या है, सेम वैसा ही पैटर्न है, बस थोड़ा सा चेंज है. अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल्ड टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 15 किलोमीटर अवे इन टाइम. क्या कहते हैं ये, कि जो है किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, बेसिकली कहते हैं कि अगर किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो ये कह रहे हैं कि इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कहा गया कि प्लेन जो है, प्लेन को क्या किया गया, 30 मिनट्स बाद क्या किया गया, लेफ्ट किया गया, छोड़ा गया. कहते हैं इसके बाद कि, इसके बाद ये कहते हैं कि 15 किलोमीटर अवे इन द टाइम इट हैज़ इंक्रीज्ड इट्स स्पीड बाय 250 किलोमीटर पर आर. ठीक है, फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड. देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में बेसिकली ये कहा जा रहा है कि ये कह रहे हैं कि अगर जो है सपोज करिए किसी प्लेन की स्पीड को उसके यूजुअल स्पीड से हम क्या करते हैं, 250 किलोमीटर अगर हम इंक्रीज कर दें, तो कह रहे हैं कि प्लेन को जो है उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए हम क्या कर देते हैं, तब हम अगर प्लेन को डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है तो 30 मिनट लेट भी अगर हम उस प्लेन को क्या करते हैं, 30 मिनट लेट भी अगर उस ट्रेन को क्या करते हैं, हम उस प्लेस से छोड़ते हैं, तो कहते हैं कि तब ये क्या करता है, उस प्लेस पे प्रॉपरली क्या करता है, पहुंच जाता है. तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड. ठीक है, तो बेसिकली क्या कहा गया, फिर से समझ लीजिए, कहा गया कि प्लेन को हम 30 मिनट बाद छोड़ते हैं इसके शेड्यूल टाइम से इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए. डेस्टिनेशन कितनी है, डेस्टिनेशन 15 किलोमीटर जो है किसी प्रॉपर टाइम से, 15 किलोमीटर यहां किसी स्पेसिफिक प्लेस से क्या है, दूर है. इज इन द टाइम इट हैज टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 250 किलोमीटर पर आर. अगर ये क्या करें, अगर ये 250 किलोमीटर पर आर इसकी यूजुअल स्पीड से इंक्रीज कर दें, तो आपसे क्या कहा जा रहा है, फाइंड द यूजुअल स्पीड. तो सोल्यूशन पे आते हैं, सोल्यूशन पे आइए. अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपसे कहा क्या गया, फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो लेट द यूजुअल स्पीड, मतलब कॉमन जो उसकी हमेशा की स्पीड रहती है, स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आर. ठीक है, अब ये हो गया. अब यहाँ से मेरी बात ध्यान से सुनिए, तो क्या कहते हैं ये, टाइम के फॉर्म में, अभी फिर भी आपको टाइम के फॉर्म में ही क्लू दिया है. तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करें, टाइम टेकन, ये सारे क्वेश्चंस बेटा आपको 4 मार्क्स में ही मिलते हैं, मैक्सिमम 4, हमेशा ही आपको 4 मार्क्स में मिलेंगे, तो इसको अच्छे से पढ़िए. टाइम टेकन टू कवर बाय प्लेन टू कवर 1500 किलोमीटर बाई प्लेन विथ यूजुअल स्पीड. तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस 1500 किलोमीटर है बच्चों, और स्पीड की बात करें तो हमने x कंसीडर कर रखा है. अब ये क्या कहते हैं, कि अगर हम स्पीड को क्या करते हैं, स्पीड को हम 250 किलोमीटर पर आर इंक्रीज कर देते हैं. ठीक है, तो अब न्यू स्पीड अगर आप देखिए, तो न्यू स्पीड यहाँ से क्या मिल जाएगी, न्यू स्पीड आपको मिलेगी बच्चों, ओरिजिनल स्पीड या x थी, अब ये क्या करते हैं, उसको 250 किलोमीटर इंक्रीज कर देते हैं. तो x प्लस 250 किलोमीटर पर आर. अब टाइम टेकन टू कवर 1500 किलोमीटर बाय प्लेन विद न्यू स्पीड. तो यहाँ से अगर हम टाइम टेकन की बात करें बच्चों, तो क्या मिल जाएगा, 1500 अपॉन x प्लस 250. तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये r में आपको मिल गया, ये भी मिल गया आपको r में. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बात कही गई है.
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं ये कि प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल टाइम। शेड्यूल टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो ये शेड्यूल टाइम था, ये था शेड्यूल टाइम 1500 अपॉन यहाँ से क्या मिला एक्स। ये कहते हैं कि शेड्यूल टाइम से क्या छोड़ा गया, 30 मिनट के बाद ठीक है। मतलब कि पहले अगर 60 मिनट में कंप्लीट होना था तो अब इसे क्या करना पड़ेगा, 60-30 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। 60-30 मीन्स 30 मिनट में। और क्या कहा गया कि फिर इस तरीके से अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, इस वाले टाइम के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ठीक है। दोनों ही टाइम क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, चाहे हम इस टाइम की बात करें चाहे हम इस टाइम की बात करें। क्या चीज़ कहा गया है कि प्लेन जो है अपने शेड्यूल टाइम से 30 मिनट के बाद छोड़ा जाएगा, तब ये क्या करेगा, ओरिजिनल डेस्टिनेशन पे टाइम से पहुंच जाएगा। तो ये इसके अकॉर्डिंग अगर देखिए तो दोनों ही टाइम आपके क्या हो गए, सेम हो गए ठीक है। अब यहाँ से अगर आप बच्चों देखिए तो आपको क्या मिलेगा, 1500 अपॉन एक्स माइनस 1500 अपॉन एक्स प्लस 250 इज इक्वल टू, यहाँ से अगर बच्चों आप देखिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 30 मिनट्स है। और ये जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं ये क्या है बेटा, बच्चों आर्स के फॉर्म में है तो इसलिए हम इसे आर में कन्वर्ट कर लेंगे। आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया तो इस तरीके से स्टूडेंट ये 1/2 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 1500x अपॉन x माइनस 1500 अपॉन x प्लस 250 इज इक्वल टू 1/2 ठीक है। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे, इफ़ यू विल टेक कॉमन 1500। ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पढ़ा है, 1/x माइनस 1/ यहाँ से x प्लस 250 यहाँ से मिला बच्चों इज इक्वल टू 1/2। दिस विल इम्प्लाइज दैट 1500 यहाँ से अगर आप देखिए तो x प्लस 250 एलसीएम लेने के बाद अब माइनस x इंटू x प्लस 250 यहाँ से क्या हो गया इज इक्वल्स टू 1/ यहाँ से क्या मिल गया बच्चों, 2 मिल गया ठीक है। ये पोर्शन आपका कैंसिल आउट हो गया। दिस विल इम्प्लाइज दैट 1500 मल्टीप्लाइड बाय 250 यहाँ से अगर डिनोमिनेटर में देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 250x इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, 1/2 मिल गया यहाँ से ठीक है। दिस विल इम्प्लाइज दैट अगर आप यहाँ से देखिए तो आपको क्या मिल जाएगा, दिस विल इम्प्लाइज दैट यहाँ से देखिए तो यहाँ से देखिए 1500 मल्टीप्लाइड बाई 250 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 250x ठीक है। दिस विल इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 250x ठीक है। माइनस अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इस और इसे इस साइड लेकर के आएंगे इज इक्वल्स टू अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ये 75,000 में से अगर हम बेटा सॉल्व करेंगे तो हमें ये 7,50,000 मिलेंगे। 1, 2, 3, 4 ठीक है ये मिलेगा। दिस विल इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 250x ठीक है, माइनस 250x और यहाँ से बच्चों सॉरी प्लस 250x माइनस 7,50,000 इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिल जाएगा बच्चों, 0 मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको टू नंबर्स का ऐसा सिलेक्शन करना है जो कि क्या करेगा, जिनको हम प्रोडक्ट करें तो हमें ये मिल जाए और प्लस और सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन और एडिशन करें तो हमें मिडिल टर्म मिल जाए। तो इस तरीके से अगर हम टू नंबर्स चूज करें, अगर आप 175 के टर्म में देख लीजिए तो 175 के टर्म से ही आपको आंसर मिल जाएगा। 175 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो इस तरीके से तो हम तो आपको 25 वाली कुछ चीज़ मिलती है 175 में, तो अब इसी तरीके से हम जीरो बढ़ा देंगे और हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से देखिए अगर हम यहाँ से ले लेते हैं 1000 यहाँ से 1000x ले लें और माइनस अगर हम 1000x में से 750x माइनस 7,50,000 ठीक है इज इक्वल टू 0। दिस विल इम्प्लाइज दैट यहाँ से x कॉमन लिया x प्लस 1000 ठीक है एंड माइनस 750 कॉमन लिया तो हमें क्या मिला x प्लस 1000 ये मिल गया ठीक है इज इक्वल टू 0। x माइनस 750 एंड x प्लस 1000 इज इक्वल टू 0 मिल गया ठीक है। इस तरीके से हमें दो चीज़ें मिल गई। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस विल इम्प्लाइज दैट यहाँ से हम ध्यान रख यहाँ से देखिए दिस विल इम्प्लाइज दैट यहाँ से इधर x इज इक्वल टू 750 और x इज इक्वल टू माइनस 1000 तो माइनस 1000 वाले को हम क्या करेंगे इग्नोर कर देंगे। वी विल टेक x इज इक्वल टू 750 आपसे कुछ पूछा गया 750 किलोमीटर पर आर इसकी यूजुअल स्पीड क्या है बच्चों 750 किलोमीटर पर आर ठीक है।